अभी मेरा अनुरोध है आदरणीय भ्राता हरि प्रसाद कनोरिया जी, चेयरमैन SREI फाउंडेशन एंड चेयरमैन बिजनेस इकोनॉमिक्स कोलकाता से आ पाए हैं। आदरणीय भ्राता हरि प्रसाद जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की कृपा से आज जानकी दादी, राजयोगिनी जानकी दादी का 100 साल जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में शामिल हुआ हूँ। यह बहुत ही भाग्य की बात है और आनंद की बात है। हृदय आनंद से भर उठा है। सुभाग से एक साल पहले मुझे दादी का आशीर्वाद मिला और परमात्मा बाबा शिव से यही प्रार्थना है, उनकी जीवन दीर्घायु बने, स्वस्थमय बने और वह हमें ज्ञान प्रेम देती आ रही हैं और देती रहें। मैं कैम्ब्रिज में घूम रहा था तो वहाँ प्रजापति ब्रह्म कुमारी के स्थल में घूमते घूमते चला गया। वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। फिर मैं कलकत्ते में जाके ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आया और हम लोग आज 8-9 साल से इनके ज्ञान और प्रेम में शामिल हो गए। कलकत्ते में एक स्थल भी, स्थान भी, सेंटर भी चालू किया गया है और यहाँ मुझे गुलजार दादी, मोहिनी दादी और भाइयों का, मृत्युंजय भाई, सभी का प्रेम मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों करोड़ों लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है, जैसे सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, वही से ज्ञान मिलने से हमारे सब अंधकार, सब विकार दूर हो जाते हैं। जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। तो यहाँ ब्रह्म कुमारी इतने लगन से, मैं गांव-गांव में भी गया हूँ, वहाँ भी इनका जो स्थल है, स्थान है, देख के बहुत ही आनंद आता है। और जिस प्रकार से वह लोगों में परिवर्तन ला रही हैं, वह बहुत ही सुखमय और बाबा परमात्मा शिव की सेवा है। कहते हैं मानव सेवा ही परम पिता शिव की पूजा है। एक भाई वहाँ से, नाइजीरिया से आए थे। मैं हर साल एक समारोह करता हूँ, उसमें शिवानी बहन, अभी पिछले साल उषा बहन, आशा बहन, सभी प्राय बहनें हमारे इस साल के अवसर पर आती हैं और लोगों में सब धर्म, सम भावना, ईश्वर के प्रति प्रेम और हृदय को स्वच्छ, हृदय को निर्मल बनाने के लिए संदेश देती हैं। मुझे यहाँ जो संदेश एक मिला है, खुश रहो, खुशी रखो, खुश रहो, खुशी रखो, यही जीवन का मूल मंत्र हो गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कनोरिया जी, बहुत सुंदर प्रेरणादायी अनुभव आपने हमें सुनाया।